माय डियर लेडीजो एंड जेंटो, वो पहले मैं क्या बोलता था बहनों भाइयों, हाँ, पर नोटबंदी के बाद ऐसा सुनते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। मेरी तो अंग्रेजी ऐसी खराब है शुक्ला जी, हाँ, मैं तो न्यूज नेशन बोलता हूँ तो मेरे से लूज मोशन नाम निकलता है। नोटबंदी का जिक्र किया है तो मैं हमारे दर्शकों को कहूंगा कि एक दफे देखें, गौर से इस चेहरे को देखें तो आपको समझ में आएगा यही तो है आज के लिए हमारा काला धन। बिल्कुल सर, काला धन ही है ये। मेरे को शुक्ला जी कहा कि होली के लिए बढ़िया प्रोग्राम करना है, तो देखो मैंने होली के हिसाब से ही उधर से फिरोजी कलर से लेकर केसरिया, हाँ, सारे रंग है यहाँ, गुलाबी, बहुत खूब, तालियां वालियां बजाओ, बहुत खूब। अच्छा मैं तो क्या गांव का रहने वाला हूँ, आजकल जयपुर में आके रहने लग गया। जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, हाँ, कहते हैं। और अब आजकल जहां मैं जिस पार्टी में जाता हूँ मेरी घरवाली पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले अपन पिंक सिटी में रहते हैं गुलाबी नगरी में, हाँ, इसलिए गुलाबी साड़ी, जैसे आज प्रेरणा जी ने पहन रखी है। मैंने कहा ये क्या, बोले ये कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, हाँ, तुम मर्द लोग नहीं जानते। तो इस कलर मैचिंग के कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैं पिछले दिनों लाल किला गया, हाँ, वो लाल साड़ी पहन के गई। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। अक्षय जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। समझदारी है, समझदारी है। बहुत खूब, अपन मारवाड़ी आदमी है, इतनी तो समझदारी रखते ही है। कहां रिस्क है, कहां रिस्क नहीं है, वो आपको मतलब मारवाड़ी आदमी रिस्क तो लेता ही नहीं। वो एक मारवाड़ी आदमी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, नहीं तो डबल पेमेंट वापस। इतने में ग्राहक खड़े थे, एक आदमी वापस आया तरबूज लेकर के, बोले भाई साहब आपकी दुकान से ले गया था, आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा मीठा निकलेगा नहीं तो डबल पेमेंट वापस। ये देखो एकदम सफेद एकदम फीका, मारवाड़ी ने उसके कब्जे से तरबूज लिया, अपने पास रखा, बोले भाई साहब ये तू ले गया था क्या, इसी को ढूंढ रहा था, ये 500 रुपए का है शुगर फ्री वाला। ये है असली मारवाड़ी। वो आपको याद होगा पिछले दिनों वो एक दुनिया का सबसे सस्ता फोन आया 250 रुपए में बिका, हाँ, 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 और 5 दिन में उसकी बुकिंग बंद, हाँ, क्योंकि एक मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा, दुनिया के सबसे सस्ते 251 रुपए के फोन जब आया तो मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा, बोले भाई साहब पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दे तो किस्तों में कितने का पड़ेगा। अच्छा अभी आपने गधे की कविता सुनी, अब दूसरे गधे की सुनो। स्वागत है, स्वागत है। वो मेरा दोस्त नहीं, वो अभी चुनाव के दौरान एक गधे ने दूसरे गधे को गधा कह दिया तो ओरिजिनल गधों ने ऑब्जेक्शन किया। और अखिलेश जी ने तो दुनिया के महानायक, हाँ, अमिताभ बच्चन जी को शिकायत दर्ज करवाई, बोले हमारे होते हुए गुजराती गधों का प्रचार क्यों करते हो भाई। ये था दर्द, अब समझ में आया है ना, ऑब्जेक्शन हो। अच्छा आपके तो ही नहीं, हमारे तो जयपुर में आपको पता है गधों का मेला लगता है, हाँ, और जिस मंत्री को बुलाते हैं वो मना कर देता है, कोई आने को तैयार नहीं। वो मैंने कहा बुलाओ आप, पर्यटन का मेला है तो पर्यटन मंत्री को बुलाओ। पर्यटन मंत्री ने कहा गधा हमारे अंडर में नहीं आता है, गधा तो एक पशु है, पशुपालन मंत्री को बुलाओ, हाँ। पशुपालन मंत्री को कहा तो वो बोले खेतों में चढ़ता है। कृषि मंत्री को बुलाओ, कृषि वाले को कहा तो गधा मिट्टी ढोता है। खान वाले को बुलाओ, खान वाले को कहा तो बोले गधा पालतू जानवर है। गृह मंत्री को बुलाओ, मतलब गधे इतने कंफ्यूज, गधों को पता ही नहीं वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। हालांकि मंत्रालय के लोगों को पता है कि वो किन गधों के अधीन आते हैं। ये थी बात, मैंने तो मंत्री जी से ही पूछ लिया, भाई आप आने में टालम टोल क्यों कर रहे हो मेले में, आपको क्या बेइज्जती होने का डर है। बोले नहीं बेइज्जती होने का डर नहीं है, वहां तो हमारे खोने का ही डर है। मैंने कहा सही बात तो यह है नेताजी, आजकल अपने भाइयों में बैठने में कौन राजी। ने अभी 104 उपग्रह एक साथ भेजे वैज्ञानिक ने, उसने पूछ लिया यार आपके इतना दिमाग में आइडिया आया कैसे, हाँ। बोले भाई साहब मैं ट्रेन से जाता हूँ, इस बार मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ, जनरल बोगी में गया तो ये आइडिया आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अपना पाकिस्तान तो भारत की उन्नति देख के उसको बड़ी है, वो होती है, भारत ने 104 उपग्रह एक साथ छोड़े तो पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके 401 ग्रीन गुब्बारे अंतरिक्ष में छोड़े।
वो अपने नोट बंद हुए हाँ। तो भारत में जितने बेरोजगार नहीं है उससे ज्यादा पाकिस्तान में बेरोजगार हो गए हाँ। बोले अब क्या करें, बोले अपने 150 के नकली नोट छापो तो नीचे के अधिकारियों ने ऊपर के अधिकारियों को कहा, बोले इससे तो अपने बहुत घाटा हो रहा है भाई, 10 रुपए का 20 रुपए का नोट छापते हैं तो 50-60 रुपए का खर्चा हो रहा है, अपने बहुत घाटा हो रहा है। बोले होने दो, अपने को तो वैसे ही बर्बाद होना है। बात को जैसे देखो, स्मार्ट फोन रखने से कोई आदमी स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई आदमी फास्ट नहीं होता हाँ। उल्टा वास्ट हो जाता है और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। पर अपने इंडिया में हमारी संस्कृति में इतनी खाने की चीजें हैं तो अपने को विदेशी खाने चीजें खाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। बिल्कुल बढ़िया बात। मैं आपको बताऊँ अपने खाने की चीजें आप गिनते जाना, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज, एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली नूडल्स के लिए क्यों नष्ट करें। बहुत बढ़िया मारवाड़ी जी। और हमारा देश भारत तो शुरू से ही खाने में विश्व गुरु था, है और रहेगा। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। भाई यहाँ अपने तो चाहे चपरासी हो चाहे अफसर हाँ। चाहे आम आदमी हो चाहे ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को छप्पन भोग। तो वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में, और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हैं हाथ में हाँ। और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। भारत विश्व गुरु सर इसीलिए भी है कि भारत ने खाने में के अलावा दूसरा काम किया ही। अपन ने देखो न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का हाँ। न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा सरकार का। क्या जोड़ा है, शानदार। और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, किसी में, न्यूक्लियर में कितनी प्रोग्रेस कर दी होगी, खाने में जितनी प्रोग्रेस इंडिया ने की मेरा दावा है कोई देश नहीं कर सकता। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। बहुत बढ़िया। वो एक अमेरिका से वैज्ञानिक आया, उसने जलेबी देखी, उसने कहा इसमें न सोल्डिंग न बेल्डिंग, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया मारवाड़ी जी। अक्षय जी वो रिसर्च के लिए अमेरिका ले गया, बाकी वैज्ञानिकों को दिखाई, बोले इसमें ने कोई जॉइंट है कोई बात नहीं, इसके अंदर चास नहीं घुसी कैसे, अपन रिसर्च करे। बाकी 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको पीटा, बोले ये नई समस्या तू ले आया, 2 साल पहले वो अपना माइकल गया था समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू कैसे घुसा। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई, अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों की समझ में नहीं है। और बिना झिकझिक मशीन के इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। नमस्कार आप सबको, होली का राम राम, धन्यवाद। बहुत खूब केसर देव।